हाय एवरीवन, एफएफडी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्दी स्नैक्स की ये श्रृंखला में आज मैं लेके आई हूँ स्प्राउट्स चटपट और उसी के साथ स्टर फ्राइड मूंग दाल। पहले देखते हैं स्प्राउट चटपट। इसके लिए जो सामग्री लगने वाली है वो है, ये है मसूर के स्प्राउट्स, लेंटिल स्प्राउट्स, करी लीव्स, चाट मसाला और फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया है, बारीक कटा हुआ धनिया है, और ये रॉक सॉल्ट है, लेमन जूस है, और तड़के के लिए जो भी लगता है वो सब मैं लेने वाली हूँ, यानी कि तेल है, राई है, जीरा है, हिंग है, और हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर वगैरह वगैरह। तो चलो बनाते हैं स्प्राउट्स चटपट। कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है, अभी मैं उसमें तेल डाल रही हूं, बस थोड़ा सा ही तेल डाला है। जब हम खाना पकाना चालू करते हैं बचपन में यानी कि जब भी, तो अब बड़े लोगों से काफी कुछ चीजें सीखते हैं। वैसे ही मैंने सीखा था कि ये तेल गरम हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए पहले बस एक या दो दाने राई के हमें डाल के देखना है। और जब भी अच्छा तेल गरम होता है और वो स्प्लटर होता है तभी बाकी की राई डालनी है, तो वही मैं करने वाली हूँ। आज डाल रही हूँ राई, गैस मैंने धीमी आंच पे ही रखा है। जैसे ही राई अच्छे से तड़कती है, मुझे मालूम नहीं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसे स्प्लटर करना बोलते हैं, तो अच्छे से स्प्लटर हो जाती है, तो मैं उसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने जीरा डाला है और अभी हिंग डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, और इसमें मैं एक कप स्प्राउट्स डालने वाली हूँ। और एक कप डालूंगी, थोड़ा सा नमक डाल के मैं ढक के रखने वाली हूँ। वैसे मैंने स्प्राउट धोए हैं और नमक डालने के बाद इसको और भी पानी छूटेगा। गैस की बड़ी फ्लेम रखी है मैंने और जल्दी जल्दी हम ये भूनेंगे। आप देख सकते हो पानी छूटा है नमक की वजह से, बस वो ड्राई होने तक हम पकाएंगे। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। अभी इसकी खासियत ये है कि आप जैसा चाहते हो वैसा बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप गरम मसाला डालें तो आप वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे खाली चाट मसाला डालने वाली हूँ और नींबू का रस। ये सूखने लगा है, अभी ड्राई होने लगा है।
ये बन गया हमारा स्काउट चटपट। अभी मैं गैस बंद करने वाली हूँ, उसके बाद इसमें चाट मसाला डालने वाली हूँ थोड़ा सा। काफी सारा धनिया, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसमें मैं लेमन जूस डालने वाली हूँ। गैस तो बंद किया है मैंने पहले से ही, अभी मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूंगी। ये इसका नींबू का रस जो है उसका कुछ भी मेजरमेंट नहीं रहता है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टेस्ट रहता है। किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, किसी को कम खट्टा पसंद है वो कम डाल सकते हैं। तो ये बन गया हमारा स्प्राउट का चटपट। अभी इसमें ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इसी रेसिपी से आप बनाएं, इसमें आप प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन आपको जो पसंद है वो डाल सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि ज्यादा देर तक हमें पकाना नहीं है, बड़े फ्लेम पे बस थोड़ी देर तक पकाना है, ताकि वो उसका बाहर का जो लेयर है वो पक जाए, लेकिन अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है वो वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, खाना कितना है, 2 टेबलस्पून अगर ये हेल्दी स्नैक है तो। इसमें आप कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर या जो भी सैलड है वो डाल के आप खा सकते हो, वो लेना है, और इसके ऊपर ये 2 टेबलस्पून डालना है, सब मिक्स करके अच्छे से एक बोल बना के वो खाना है। तो अभी चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। आइए बनाते हैं स्टर फ्राइड मूंग दाल। मूंग दाल की जगह पे आप चना दाल भी ले सकते हैं। स्टर फ्राइड मूंग दाल के इंग्रेडिएंट्स है, मूंग दाल है, तड़के के लिए जो भी सामान लगने वाला है वो है, उसी के साथ करी लीव्स है, ग्रीन चिली है, मिंस्ड ग्रीन चिली है, लेमन जूस है, बारीक कटा हुआ धनिया है, और उसी के साथ ये फ्रेश स्क्रेप्ड कोकोनट है। नमक तो है ही, तो इसी से हम ये दाल बनाने जा रहे हैं। सिंपल रेसिपी है, इसमें भी आपको जो जैसा चाहे वैसा वेरिएशन कर सकते हैं, अलग सा मसाला डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, जैसे ही तेल गर्म होगा मैं राई डालने वाली हूँ। मस्टर्ड सीड्स मैंने डाले हैं, राई डाली है, ये स्टील की कढ़ाई है इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है ताकि ये जल ना जाए। अभी इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, करी लीव्स, थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली यानी कि ग्रेवी मिर्ची, मिंस्ड चिली है, अच्छे से फ्राई हुई है। अभी मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसमें, ये भी मिक्स करती हूँ। और इसी में मैं अभी ये मूंग दाल डाल रही हूँ। कवर करके रखने वाली हूँ। तो ये बन गई हमारी स्टर फ्राइड मूंग दाल।
अब तक की रेसिपीज से आपको पता चला होगा कि मुझे जिंजर, गार्लिक ये सब पसंद है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि क्या ये डिश हम बिना गार्लिक के या बिना प्याज के बना सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली हम बना सकते हैं, कौन सी भी डिश हो हम बिना प्याज लहसुन का बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आज दोनों रेसिपीज में गार्लिक या प्याज, यानी कि प्याज या लहसुन कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। बस ये हो गई और दो हेल्दी स्नैक्स की डिशेस, और अगले हफ्ते और डिशेस लेके आऊँगी हेल्दी स्नैक्स की। ओके देन, चलो बाय बाय।